हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गरिमा नटखट किड्स। मैं हूँ गरिमा। आज मैं आपको एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो है डिसलेक्सिया, जो कि एकलव्य में भी है। डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया का जो मतलब है वो है कि बच्चों को रीडिंग और राइटिंग दोनों में प्रॉब्लम होना। कैसे पता करेंगे हम इसके बारे में कि बच्चों को रीडिंग और राइटिंग में कैसे प्रॉब्लम हो रही है? तो जो प्ले स्कूल से लेकर और फर्स्ट क्लास तक के बच्चे होते हैं, उनकी सबसे बड़ी जो सर्चिंग होती है उसमें देखा जाता है कि उन्हें वर्ड्स रिकॉग्नाइज हैं या नहीं है। क्योंकि वो बच्चे, हम उनसे अगर ये कहते हैं कि ये है कैट, तो आप बताइए ए कहाँ है, तो वो उस ए को भी प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, वो किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। और जब उन्हें बोला जाता है राइट कैट, तो वो कुछ इस तरीके से लिख देते हैं एट, सी प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ पाता है। दूसरा, जब बच्चा सेकेंड टू फिफ्थ क्लास तक के लिए होते हैं और उन्हें किसी भी वर्ड का फॉर्मेशन की जाती है, वर्ड की फॉर्मेशन मीन्स जैसे हम उन्हें टू लेटर वर्ड्स, थ्री लेटर वर्ड्स या फोर लेटर वर्ड्स सिखाते हैं, तो उसमें पहला वर्ड उनसे कहा जाता है कि आपको लिखना है सौ, तो वो सौ को जंबल हो जाता है, उनके माइंड जंबल करने लगता है और वो क्या करते हैं, उसे लिख देते हैं वाज, या आप ये कह सकते हैं कि वो इस तरीके से लिख देंगे वासा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये उनका जो मीनिंग है वो उसे समझ नहीं पाते हैं। उसे समझाने के लिए उनको लेटर वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कराना पड़ता है। पहला मीन्स, आप अगर उन्हें लेटर वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करा रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक ब्लॉक्स टाइप ड्राइंग बनाएंगे और उसमें हर एक लेटर को लिखने की कोशिश करवाएंगे। मीन्स ए, कम्प्लीटली ए लेटर, बिग लेटर होना चाहिए। उसके बाद आप इसी तरीके से बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाते जाएंगे और आप उनसे कहेंगे राइट बी, बी एंड राइट सी। जब इस तरीके से वो अपने लेटर्स को करना सीख लेंगे, तो आप उसके बाद उन बॉक्सेस को थोड़ा सा छोटा करते चले जाइए। आप जो लेटर वर्ड्स आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस लगातार की जानी चाहिए, ये डेली की प्रैक्टिस है। डेली प्रैक्टिस कराने से ही प्रोनाउंसिएशन सही होता है। यहाँ की सबसे प्रॉब्लम जो है वो किस में भी होती है, वो वर्णमाला में भी होती है। वर्णमाला में भी वो इसी तरीके की परेशानी क्रिएट होती है, जैसे का, खा, गा, खा, ये लिखने में भी उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, उसे भी वो पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। जब उनसे कहा जाता है टू लेटर वर्ड्स लिखने हैं, जैसे घर, नल, तो उसमें भी वो प्रॉब्लम करते हैं। जैसे नल को लिख देंगे ल, न या र, अघा लिखेंगे ही नहीं, रा का उच्चारण उन्हें समझ में आ जाएगा लेकिन रा लिखेंगे ही नहीं। जो नॉर्मल माइंड होता है उसमें हमारा लेफ्ट ब्रेन, जिसमें हम ब्रेन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये हमारा लेफ्ट ब्रेन है, ये हमारा राइट ब्रेन है। लेफ्ट ब्रेन कि क्या क्या वर्क होते हैं, कुछ इस टाइप से, जिसमें आपको पहला मैथमेटिक्स हो गया, आप म्यूज़िक के बारे में जानकारी कर सकते हैं इस लेफ्ट ब्रेन से, और आपकी बोलने की जो प्रोसेसिंग होती है वो स्टार्ट होती है। दूसरा, इसमें आप लाइफ के अकॉर्डिंग चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं और इसे जानने के बारे में, हाँ, आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे उसमें। राइट आपकी प्रोसेसिंग का काम करता है, क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, जैसे आप आगे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से बताएंगे, क्या करना होता है, ये सब चीज़ें आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन का काम करते हैं। डिसलेक्सिया वाले बच्चों में लेफ्ट ब्रेन का वर्क होता है, इसलिए इनकी जो राइटिंग वर्क होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है।
प्री टू फर्स्ट क्लास ये पहले वर्ड्स फॉर्मेशन में ही प्रॉब्लम करते हैं, जैसे ही ये फर्स्ट टू थर्ड क्लास में आते हैं तो इनका आगे का वर्क भी कंप्लीट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, और अडल्टहुड में ये थोड़ा सा लिखने में, क्योंकि नॉर्मल बच्चा स्पीडिंग लिखता है, बहुत तेज तेज लिखना शुरू कर देता है, लेकिन जो डिसलेक्सिया वाले बच्चे होते हैं वो एक लाइन को काफ़ी देर में लिखते हैं, वो थोड़ी देर सोचेंगे फिर लिखेंगे, फिर दूसरी लाइन को थोड़ा रोक कर लिखेंगे, फिर तीसरी लाइन को, तो इनकी जो राइटिंग होती है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, समझ पानी मुश्किल होती है, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इनकी राइटिंग लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, एक तो ये पेंसिल को बड़ी दूर से पकड़ते हैं और इस तरीके से लिखते हैं, जो आप समझ पाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ये क्या करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था कि हमने कहा वाज लिखना है तो ये इस तरीके से लिखेंगे, मिसमैच कर देते हैं हर एक वर्ड को। आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें भी उस बच्चे ने वही प्रॉब्लम्स की थी कि वो क्या करता था, बी और डी को रिजेम्बल कर लेता था, ई को समझ नहीं पाता था और ए का प्रोनाउंसिएशन उसे समझ नहीं आता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्लेक्सिया वाले बच्चों में आ जाती है। इसी तरीके से आप अपने बच्चों की राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके बच्चे की राइटिंग इम्प्रूव नहीं हो रही है तो आप उसके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स सेलेक्ट करिए। पहली चीज़ राइटिंग इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका जो होता है वो होती है आपकी पज़ल। आप बच्चे को इस तरीके से लिख कर दीजिए, आप बच्चे से पूछिए और उसे उस वर्ड्स में से ढूंढ कर लिखना है कि इसमें से आपको यहाँ पर लिखना है। पहली गलती वो करेगा तो वो ये भी लिख सकता है, BIT बिट लिख सकता है, फिर वो सोचेगा और उसमें उसकी सबसे बड़ी जो हेल्प होगी वो होगी पिक्चराइजेशन की। जैसे मैंने आपको दिखाया है कि इस तरीके से, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ पिक्चराइजेशन की। तो अब आप उससे पूछेंगे व्हाट इज़ दिस, तो वो आपको करके बताएगा बैट। बोलने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन समझना, क्योंकि चीज़ों को रिकॉग्नाइज ज़्यादा कराना चाहिए, जब वो ज़्यादा चीज़ों को रिकॉग्नाइज करेगा तभी वो चीज़ों को लिख पाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उन्हें फाइन आर्ट मोटर स्किल उनके इम्प्रूव होने चाहिए, उनको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी दिलानी चाहिए, जैसे फ्रूट्स के बारे में, कलर्स के बारे में, तो ये वर्क उनका डेली होते रहना चाहिए ताकि वो किसी भी चीज़ में पीछे ना हटे। बहुत सारे बारे में आपको जानकारी होगी कि महान साइंटिस्ट जिनके बारे में आपको बताया गया है, आपने पढ़ा भी होगा, जो इसी तरीके की प्रॉब्लम्स से इफ़ेक्टेड थे, जिसमें पहला नाम जो आता है अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी इसी तरीके की प्रॉब्लम से इफ़ेक्ट हुए थे और आज उन्हीं के वर्क को हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को ये मत सोचिए कि ये पढ़ने में प्रॉब्लम करेंगे या पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ पाएंगे, सिर्फ थोड़ी सी आपको मेहनत की बहुत ज़रूरत है ताकि ये आगे बढ़ सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।